बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल विद चिकन मैक्रोनी। इसके लिए सबसे पहले एक पैकेट मैक्रोनी बॉयल करेंगे। एक चम्मच नमक, दो चम्मच ऑयल डाल के हम मैक्रोनी बॉईल करेंगे। जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल होती है हम बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक कप मटर लिए है, एक कप ही मैंने चिकन लिया है बोनलेस और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हुए हैं। दो अदद गाजरे हैं, तीन आलू, और आलू और जो गाजरे हैं उनको भी हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। गाजरों का जो दरमियान वाला पार्ट होता है, हार्ड होता है, वो हमने निकाल लेना है, वो हमने ऐड नहीं करना। चलें जी, कटिंग हो गई है, अब हम इनको करेंगे फ्राई। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें दो चम्मच ऑयल डाल के जो कटिंग की थी इनको अच्छे से वॉश करके तो इनको हम फ्राई करेंगे, मटर, गाजर और आलू को। बिस्मिल्लाह, एक टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, इनको बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है, बस 5 मिनट तक हमने इनको स्टीम देनी है। मैक्रोनी हमारी गल चुकी है, इसमें से पानी रिमूव कर देंगे। मैक्रोनी को हमने पानी इसका निकाल लिया है और एक बार इसको ऊपर से ठंडा पानी गुजार दिया है। और ये देखें, ऑयल डालने का फ़ायदा ये हुआ कि ये बिल्कुल अलग अलग है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो अभी बाकी की जो सब्जियाँ और चिकन वो फ्राई करेंगे। सब्जियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको निकाल के तो हम चिकन को फ्राई करेंगे। मसाला से देखिए कितनी प्यारी लुक आ गई है, कलर इतना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाल के एक प्याज बारीक किया हुआ चॉप वो फ्राई करेंगे हल्का सा, बस 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पे चिकन हमने एक कप लिया हुआ था छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में, वो इसमें डाल के फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च डाल के इसको भी फ्राई करेंगे।
चिकन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और मसाला से बहुत प्यारी लुक आ गई है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक पैकेट हली क्रीम का, साथ ही एक कप जो है तकरीबन 4 खाने के चम्मच ये हमने टमाटो सॉस इसमें ऐड करनी है और तकरीबन 4 खाने के चम्मच ही मायनीस। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने फ्राई सब्जियाँ ऐड करनी है इसमें। बिस्मिल्लाह, लास्ट पे मैक्रोनिया जो हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार आप अपने बच्चों को फैमिली को बनाकर खिलाएंगे तो बाजार का पास्ता बाजार की मैक्रोनियां भूल जाएंगे, इतनी कमाल की और मजे की बनती हैं। मेरे बच्चे तो कहते हैं हर हफ्ते टिफिन में दे दे मामा ये बना के, तो लेकिन ये मैदा होता है मैं देती कम कम हूँ। रोज रोज भी मैदा मैक्रोनी मैदे की बनी होती तो अच्छी नहीं लगती। तो ये है कि हाँ जी आप 10 दिनों में या 10-15 दिनों में एक बार बच्चों को बना के दे दें तो बाज़ार से बेहतर है कि आपने साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं वो बना के देनी है, बच्चों को हेल्दी होती हैं। चलें जी, कमाल की जो हमारी मैक्रोनी विच मिक्स वेजिटेबल और चिकन वाली मैक्रोनी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी तक रहे दुआ में जा रखेगा। और अभी तक पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।